सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतलाब मंदिर के पावन प्रांगण में शक्ति 8 कैंप मैराथन 2021 का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग राज्यों से आए चित्रकारों ने अलग अलग कलाकृतियां बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान ADCP ट्रैफिक गगनेश शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर चित्रकारों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का जायजा लिया। इस दौरान कार्यक्रम की आयोजक श्रेयांसे मनु ने बताया कि शक्ति 8 मैराथन के तहत ये कार्यक्रम दिल्ली, चंडीगढ़, धर्मशाला, जालंधर, मोहाली, अमृतसर, बीकानेर, कोटा और जयपुर में भी करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस मैराथन के विजेताओं को अगले भाग के लिए चयनित भी किया जाएगा। इस मौके पर विजेता रहे प्रतिभागियों को विशेष रूप से सम्मानित भी किया गया। जालंधर से हलचल के लिए दविंदर और सुखविंदर सिंह की रिपोर्ट। आज हम लोग देवी तालाब मंदिर, जो कि एक जालंधर का बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे एक तो हेरिटेज के ऊपर भी इन्होंने जो मंदिर बना रखे हैं, बहुत ही अच्छी स्पेस है। हम चंडीगढ़ से कलाकार आए हैं अपना काम प्रेजेंट करने के लिए। ये सृष्टि इंटरनेशनल, श्रेयांशी इंटरनेशनल दिल्ली का जो ग्रुप है, उन्होंने ये एक बहुत बड़ी कैंप लगाया है, 8 कैंप मैराथन 2021, जिसके अंदर काफ़ी आर्टिस्ट हैं, रियलिज्म से भी हैं, मॉडर्न आर्ट में भी हैं। तो हमारी जो आर्ट टीम है, हमारे अंदर एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस दौरान हमें एक दूसरे का काम देखने का मौका मिलता है, और इससे एक तो हमारा इंट्रैक्शन होता है सिटी टू सिटी। हमारा जो नेक्स्ट शो इससे है अगला, वो मोहाली में रियात कॉलेज में होने जा रहा है। ये जो शक्ति प्रोजेक्ट है, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है और इसका तीसरा साल है। हमारे इसके अंदर जो इंटरनेशनल कोलैबोरेटर हैं वो सेंट पीटर्सबर्ग सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन प्रोग्राम्स हैं और इंडिया में श्रेयांसी इंटरनेशनल। जालंधर में इसका सारा जो श्रेय जाता है वो कविता हस्तिर, जो कि भारतीय कलाकार संघ की पंजाब की प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने और हरीश जी, बबीता एंड मनप्रीत जी, इन सब लोगों ने, पूरी टीम का साथ है हर शहर में।